हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स, जहां पर हम आपको लॉ को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूं कुछ ऐसे शब्दों को जो हमने पढ़े तो बहुत बार होंगे, लेकिन शायद इनका अर्थ जानते ना हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने संविधान की प्रस्तावना बहुत बार पढ़ी है, जिसमें प्रभुत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये शब्द आते हैं। दोस्तों, पहला शब्द आता है प्रभुत्ता संपन्न। इसका मतलब होता है कि हमारा भारत देश आंतरिक तथा बाह्य रूप से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। भारत की प्रभुत्ता संपन्नता भारत की जनता में निहित है। हमारा भारत देश किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन रहकर कार्य नहीं करता है। हमारे यहाँ की सरकार स्वतंत्र रूप से निर्णय लेती है और जनता के हित में कार्य करती है। दोस्तों, दूसरा शब्द आता है समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है कि समाज के कल्याण के लिए कार्य करना, अर्थात हमारे देश की सरकार, हमारे देश का संविधान समाज के कल्याण को प्राथमिकता देता है। हमारे समाज के कल्याण के लिए ही कार्य करता है। हमारे देश की सरकार समाज के हित को सर्वोपरि रखती है। इसीलिए भारत के संविधान ने भारत को एक समाजवादी राष्ट्र के रूप में निर्मित किया है, इसीलिए इसे समाजवादी राष्ट्र कहा जाता है। तो तीसरा शब्द आता है पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष को हम लोग धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं। हमारे देश की शासन प्रणाली धर्मनिरपेक्ष है। इसका अर्थ यह होता है कि हमारे भारत देश में किसी धर्म विशेष को मान्यता प्रदान नहीं की गई है। हमारा भारत देश में सभी धर्म को समान मान्यता दी गई तथा समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत में सभी व्यक्ति अपने अपने धर्म के अनुसार स्वतंत्र पूर्वक रह सकते हैं। भारत को हिंदुस्तान कहा जाता है, लेकिन इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यह अपने अपने धर्म के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक रह सकते हैं। पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था। दोस्तों, चौथा शब्द आता है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक मतलब लोकतांत्रिक। इसका अर्थ यह होता है कि हमारे भारत देश में जो सरकार है वो लोकतंत्र के द्वारा चुनी गई है। किसी व्यक्ति, परिवार या राजवंश के द्वारा जो सरकार नहीं चुनी जाती है, इसलिए भारत देश की संप्रभुता भारत की जनता में निहित होती है। और पांचवा शब्द आता है गणराज्य। गणराज्य का अर्थ ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसका प्रमुख वंश उत्तराधिकारी द्वारा नहीं होता है, उसका चुनाव जनता या जनता के प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है। दोस्तों, ब्रिटेन तथा जापान लोकतांत्रिक देश तो हैं, परंतु गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहाँ का नेता, वहाँ का सम्राट किसी वंश के उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण करता है, जबकि भारत देश में ऐसा नहीं है। भारत का राष्ट्रपति एक अप्रत्यक्ष चुनाव क्रिया द्वारा जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, तथा प्रत्येक 5 वर्ष में फिर से चुनाव होते हैं और जनता द्वारा एक नया राष्ट्रपति चुना जाता है। इसीलिए भारत को गणराज्य कहा जाता है। आई होप दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल लॉ इजी नोट्स। धन्यवाद।